अरमान कस्टमर ने लोकेशन डाल दी गलत, उसको खरी खोटी छोड़ानी पड़ेगी। जब उसको पता है कि एड्रेस चेंज नहीं हुआ है तो फिर ऑर्डर क्यों प्लेस किया। तो ये हमारे उदयपुर की सबसे बड़ी होटल समझ लो आप। दो तीन दिन पहले इस पहाड़ पे पूरे आग लगी थी। अब इसके ये रेस्टोरेंट थर्ड नंबर का सबसे लार्ज रेस्टोरेंट है और टेस्ट में भी काफ़ी बेटर है। दिल पंजाबी 3, 1 BA, 2 BA, 3 BA, मतलब इसने उदयपुर में 3 ब्रांचें खोल रखी। और 3 ब्रांचें खोलना उदयपुर में काफ़ी बड़ी बात होती है। नटराज, नटराज के बाद आते हैं पिक एंड मूव जो काफ़ी चलता है, और उसके बाद आता है ये दिल पंजाबी 3 रेस्टोरेंट के मामले में। तो पूरे 34 मिनट में अपन ने 62 रुपये कमा लिए, मतलब एवरेज बहुत सही चल रहा है। मतलब इतना तो होना ही चाहिए रनिंग। और ऑर्डर भी ऐसा दिया है सिटी के अंदर में, ऑर्डर लेके वापस घर की तरफ ही आ गए, लेकिन अब घर नहीं जा सकते, अब तो रात को 12-1 बजे ही जाना पड़ेगा। दो तीन दिन पहले इस पहाड़ पे पूरे आग लगी थी। अब इसकी हालत देखो कैसी हो गई है। और ये उमड़ा रोड पे, मतलब उमड़ा वहाँ पे रहा वो बेसिक हॉस्पिटल, और यहाँ पे ये पहाड़ों पे पता नहीं गर्मी के दिन पूरी तरफ आग लगती है। जितने पहाड़ हैं ना वहाँ पे सारी तरफ आग लगती है। सिर्फ प्लॉटिंग कट रही है लेकिन कितनी ब्यूटीफुल लग रही है यहाँ से देखने पे। और ये उमड़ा की पहाड़ियों से कुछ उदयपुर ऐसा दिखता है। ऐसा तो ये काफ़ी कम दिख रहा है, बहुत सारा एरिया है ना पहाड़ियों के बीच दबा हुआ है। जैसे ये पहाड़ी है, इसके पीछे बहुत सारा एरिया दबा हुआ है। तो ये हमारे उदयपुर की सबसे बड़ी होटल समझ लो आप। सबसे ज़्यादा पैसा यहीं खपत केदारी हॉस्पिटल, बहुत पेशेंट आते हैं यहाँ पे। बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दिया है वैसे। सबवे का ऑर्डर लग तो रहा है लेकिन ये पता नहीं ऑयल का डब्बा है, मतलब कि पाम ऑयल ऐसा कुछ लग रहा है। लिप्टॉन पता है क्या है भाई, ये लिप्टॉन नहीं, इसका कलर ऐसा लग रहा है जैसे कि है ना सब्जी बनाने का तेल है। चलो सबवे का ऑर्डर। अरमान कस्टमर ने लोकेशन डाल दी गलत, अब वो बुला रहा मुझे बोरा गणेज, जो कि लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। मैं अभी यहाँ पे ऑर्डर देना था, अभी यहाँ तक आ गया हूँ, और यहाँ से मुझे बोरा गणेश जी कहाँ पर रह गया, यहाँ जाना है, अभी यहाँ ऑर्डर डिलीवर करना है। अभी उसको खरी खोटी छोड़ानी पड़ेगी। जब उसको पता है कि एड्रेस चेंज नहीं हुआ है तो फिर ऑर्डर क्यों प्लेस किया। वो कस्टमर क्या थोड़ा हट्टा कट्टा था, तो क्या मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा वाह यार जा छोड़ दिया तुझे। क्या क्या यहाँ पर शकल और अकल देख के लड़ाई मोल लेनी पड़ती है। मैंने यार अब इसको कुछ कहूँगा ये माथे पड़ जाएगा अभी, इसलिए कुछ कहा नहीं मैंने। ठीक है सर, ठीक है। हाँ 3 किलोमीटर दूर ही था, ज़्यादा नहीं था सर, ये सब सर बोल के सलाह छोड़ना ही पड़ता है। वैसे आज थकान तो बहुत हुई, क्यों पता नहीं क्या है कि रेगुलर इतना काम करता नहीं हूँ मैं, और अभी यह 10-10 घंटे अचानक से ड्यूटी ऑन कर दी है, और अभी ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा बज रहे हैं। दिन में इतनी गर्मी पड़ रही है कि ऐसा फील होता है कि वीकनेस ज़्यादा आ गई। और उसके बाद जैसे जैसे शाम पड़ती है 7 बजे बाद वापस वो मतलब एकदम से ठंडा माहौल हो जाता है, उसके बाद तो काम आराम से हो जाता है। लास्ट वाला ऑर्डर तो अब उड़ाऊँगा मैं, क्यों, क्योंकि अभी तक ये ऑर्डर रेडी नहीं हुआ है, अभी तक फूड रेडी नहीं आया। तो मैं यहाँ था तब ऑर्डर बजा, मैं यहाँ आ गया हूँ, अभी तक ये ऑर्डर रेडी नहीं हुआ है, मतलब कि ये और टाइम लेता है। और मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं एक रिजेक्ट कर सकता हूँ, तो अभी वो रिजेक्ट कर देते हैं। ये बाइक इशू में रिजेक्ट होता है ओनली, जैसे ही इसको रिजेक्ट करूँगा और आईडी 60 मिनट के लिए बंद हो जाएगी। तो आई वांट टू बाइक इशू एंड रिजेक्ट ऑर्डर एंड स्टॉप ड्यूटी फॉर 60 मिनट्स। ओके डन। और ये कैंसिल हो गया, और ये ड्यूटी इज़ टेम्प्रेरी स्टॉप एट ड्यूटी स्कोपेट टिल 12/27 के बाद चालू हो सकती है, और 615 रुपये हो गया। ठीक है ना, और सायरन ऐसे बजता है जैसे साला कोई मुर्दा हो, मुर्दे को उठा के ले जा रहे हैं। टों टों। अब चलते हैं सीधा घर पे। आपको एक चीज़ तो बताई नहीं, ये 1700 रुपये के बूट लिए मैंने ब्रांडेड, और काफ़ी अच्छी बात है कि इनके अंदर से बदबू नहीं आती। बाकी तो जैसे ही जैसे बूट शूज खोलता हूँ इतना खतरनाक बदबू करता है।
I need some bitches, some friends, and some jewelry. I'm trying to get like you.